पटना के रविंद्र भवन में अंबेडकर भवन ऑफ द हायर एजुकेशन छितनावा दानापुर पटना के नर्सिंग एवं पारा मेडिकल पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर अंबेडकर भवन ऑफ द हायर एजुकेशन के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर के कुमार के तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक ने कहा कि यह संस्था विभिन्न पाठ्यक्रमों और कोर्स का संचालन कर रही है, जिसमें मैट्रिक उत्तीर्ण विद्यार्थी से लेकर हायर लेवल के कोर्स बीएससी नर्सिंग बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और पैथोलॉजी पाठ्यक्रम का संचालन कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता के छात्र छात्राएं जिनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त हो। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश को दिया है उनकी धरोहर को हमें बचाने की जो जिम्मेदारी दी गई है, अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लगातार उनके दिशा निर्देश जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिए गए हैं, अपने विचार उनके स्पर्श पर हम सभी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर आर डी रंजन सर का इस वक्त स्वागत किया जा रहा है, किया जाए और साथ ही मैं अपने संस्थान के अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सर से भी आग्रह करूंगा कि हमारे सभी अतिथियों का स्वागत। मैं श्री आपको दवा के लिए जरूरत रखना पड़ता था, आज लगभग हर एक गांव में हर एक प्रखंड में हर एक पंचायत में आसानी से सरकार स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों और कोर्सों का संचालन कर रही है, जिसमें सामान्य पाठ्यक्रम जिसमें मैट्रिक उत्तीर्ण विद्यार्थी से लेकर और हायर लेवल के कोर्स बीएससी नर्सिंग और बैचलर इन फिजियोथेरेपी और पैथोलॉजी पाठ्यक्रम का संचालन कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो आम जनता में जो छात्र छात्राएँ हैं जिनको मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके, साथ ही ऐसी रोजगारपूर्वक शिक्षा दी जाए जिससे बिहार में स्वास्थ्य सेवा में जो कर्मियों की कमी है उसकी पूर्ति की जा सके समय के साथ ही, क्योंकि बिहार में WHO के मानक के अनुसार बहुत सी संख्या कम है हमारे यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की नर्सिंग और पैरामेडिकल की। तो ये प्रशिक्षण संस्थानों का हमारा उद्देश्य है विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कि इसमें उन्हें बेहतर प्रशिक्षण दी जाए और बिहार की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा किया जाए ताकि नर्सें हमारे यहाँ प्राइमरी लेवल की नर्सें ए ग्रेड नर्सें बी ग्रेड नर्सें और प्रोफेशनल्स नर्सें बीएससी नर्सिंग ये सारी उपलब्ध हो सकें। स्वास्थ्य मंत्री सर का लगातार स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के कार्यकाल में 2 सालों में जो स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है वो आज तक के बिहार के इतिहास में नहीं हुआ है, क्योंकि यह नॉलेज इंडस्ट्री है और इस नॉलेज इंडस्ट्री में बिहार को छोड़ करके बाकी राज्यों में सैकड़ों संस्थाएं कार्य करती थी और बिहार के छात्र छात्राएं बिहार के बाहर जाते थे परीक्षण लेने, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने अपने 3 सालों के कार्यकाल में जो डेवलपमेंट दिया है उसमें ऐसी स्थिति आ गई है कि बिहार के छात्र छात्राओं को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। इस न्यूज के सह प्रायोजक है जिया अभिनव प्रोडक्ट, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहठी भंडार, इस्लामपुर रोड, मुजफ्फरपुर, चंद्रान IAS एकेडमी, मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम भुजियावाला, चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड, जियो जिंदगी बेहिचक, उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल, वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर, जवाहरलाल रोड, मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल एरिया नारायणपुर अनंत रोड, मुजफ्फरपुर, VLCC, गोला रोड, मुजफ्फरपुर, हर घर की पसंद ग्रीन इंडिया, आपकी संतुष्टि मेरी पहचान, गोदरेज अप्लायंसेस, सोच के बनाया है, बिरयानी दरबार, वर्मा कॉम्प्लेक्स मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल, सेल्फ बिलीव बेस्ट बिलीव, जावेद हबीब हेयर स्टूडियो यूनिसेक्स सलोन, मुजफ्फरपुर, नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज नेपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।